स्वाद घर का चैनल है। सभी फ्रेंड्स का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम क्रिस्पी स्वीट कॉर्न बनाएंगे। ये इवनिंग टाइम में या पार्टी में क्रिस्पी स्नैक्स बहुत अच्छे लगते हैं। हम होटल या रेस्टोरेंट जाते हैं तो वहाँ पर हम ये क्रिस्पी स्वीट कॉर्न खाते हैं। तो हमने सोचा आज हम इन्हें घर पर बनाते हैं। ये बहुत ही जल्दी बन जाते हैं और काफ़ी देर तक क्रिस्पी भी रहते हैं। इन्हें बनाना ही बहुत आसान है, तो जल्दी से इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। 250 ग्राम स्वीट कॉर्न, 1 चम्मच नमक, आधा चम्मच जीरा पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच चाट मसाला, हरा धनिया की पत्ती, 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर और 1 नींबू का रस। क्रिस्पी स्वीट कॉर्न बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए एक बर्तन में 2 कप पानी डालेंगे। गैस को ऑन कर देते हैं और पानी में उबाल आने देंगे। पानी में उबाल आ गया है तो हम इसमें स्वीट कॉर्न डाल देते हैं। क्रिस्पी स्वीट कॉर्न बनाने के लिए हमें पानी में बॉईल करना कॉर्न को बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यदि हम बॉईल नहीं करेंगे इसको और डायरेक्ट हम इसे कॉर्नफ्लोर डालकर और तल लेंगे तो ये बाहर उछटेंगे और घी भी बाहर उछटेगा, इससे गैस का आसपास का सब गंदा हो जाएगा और हमारे ऊपर ही उछड़ सकते हैं। तो इसलिए हमें पहले इसको उबालना अच्छी तरह से बहुत ज़रूरी है। कम से कम हम 5-6 मिनट तक इसको बॉईल होने देंगे अच्छी तरह से, तभी हमारे स्वीट कॉर्न अच्छे बनेंगे। यदि आप इस ट्रिक से स्वीट कॉर्न बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी और बढ़िया बनेंगे। तो देखिए स्वीट कॉर्न उबल चुके हैं और ये फूले फूले से भी नज़र आ रहे हैं। तो हमारे स्वीट कॉर्न उबल कर तैयार हो गए हैं। अब हम इनको चलनी में निकाल लेते हैं, इसके पानी को अलग कर देते हैं और स्वीट कॉर्न को 10 मिनट के करीब ठंडा होने देंगे, जिससे ये नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाए। अब हम इन्हें बाउल में कर लेते हैं और 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर डालेंगे। आधा चम्मच नमक ऐड करेंगे। इनको अच्छी तरह मिक्स करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सभी कॉर्न के ऊपर इसकी आटे की कोटिंग होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस पर आटे की कोटिंग होगी तभी हमारी स्वीट कॉर्न अच्छी तरह से क्रिस्पी बन पाएंगे। तो इसलिए हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और यदि कॉर्नफ्लोर आपका थोड़ा सा ज़्यादा है तो उस पर कुछ पानी की छींटे भी डाल सकते हैं, जिससे इस पर अच्छी तरह से आटे की कोटिंग हो सके। हमने पैन को गैस पर रखा हुआ है, उसमें घी भी डाला हुआ है और घी गर्म भी हो गया है, तो हम इसमें 1 पीस डालकर चेक कर लेते हैं घी अच्छी तरह से गर्म हुआ है कि नहीं। ये देखिए घी अच्छी तरह से गर्म हो चुका है, तो अब हम इसमें अपने स्वीट कॉर्न तल सकते हैं। गैस को मीडियम ही रखेंगे, जिससे अच्छी तरह से क्रिस्पी हो सके हमारे स्वीट कॉर्न। और इसको तलते वक्त एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि ये कभी कभी फूट भी जाते हैं, तो इसके लिए हमको 1 प्लेट रखनी है साथ में। अगर ये फूटें तो उसके ऊपर हम कढ़ाई के ऊपर प्लेट रख दें, जिससे कि ये उचटकर हमारे ऊपर नहीं आए। तो धीमी आंच पर हम इसको अच्छी तरह से डीप फ्राई होने देंगे। यदि हम इस ट्रिक से बनाएंगे इनको तो ये बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी बनेंगे। देखिए हमारे स्वीट कॉर्न अच्छी तरह से क्रिस्पी भी हो चुके हैं और जैसा हमें कलर चाहिए वैसा भी हो गया है। अब हम इनको निकाल लेते हैं। हमने इनको चलनी में निकाला है, क्योंकि जितना भी एक्स्ट्रा घी है वो सब उसमें कढ़ाई में वापस निकल गया। पूरा घी निकलने के बाद फिर हम इसको प्लेट में रखेंगे। यदि आपके घर पार्टी है और आपको पहले से बनाकर रखना है तो इसको आप इसी तरह से तलकर रख सकते हैं, लेकिन मसाले बाद में मिलाइएगा, जब आपको ज़रूरत हो तभी आप मसाले मिलाइएगा। ये इस तरह से हम तलेंगे तो काफ़ी देर तक ये क्रिस्पी रह सकते हैं, लेकिन जब आपको सर्व करना हो तभी आप मसाले मिलाकर इनको सर्व करें। यदि आप इस ट्रिक से बनाएंगे तो आपके स्वीट कॉर्न काफ़ी क्रिस्पी और अच्छे बनेंगे। घी निकलने के बाद हम इनको प्लेट में कर लेंगे। अब हम इसका मसाला तैयार कर लेंगे। नमक, लाल मिर्च पाउडर, लाल मिर्च पाउडर कम या ज़्यादा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, जीरा पाउडर,
चाट मसाला, इन सबको अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। अब हम इनको बाउल में डाल देते हैं। नींबू का रस इसमें ऐड करेंगे और मिक्स कर देते हैं। मसाला जो हमने बनाकर भी तैयार किया था उसको डाल देते हैं, फिर से मिक्स करेंगे और अंत में हरा धनिया की पत्ती डालकर इसको मिक्स कर लेते हैं। अब हमारे क्रिस्पी स्वीट कॉर्न बनकर तैयार हो गए हैं, बिल्कुल होटल स्टाइल। तो जब भी आपके घर पार्टी हो या इवनिंग स्नैक खाने का मन करे तभी आप इसको बनाकर ट्राई कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिएगा। तो क्रिस्पी स्वीट कॉर्न स्नैक्स की वीडियो देखने के लिए थैंक्स।